सारे निशा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उजला आपका राज आपकी खबरों का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मोतिहारी की, जहां तुरकौलिया प्रखंड के चरागाहा पंचायत के मोहम्मद छपरा वार्ड 13 में लगे पानी टंकी में करीब एक महीने से रिसाव हो रहा है, जिससे नल जल का पानी सप्लाई बंद है। ग्रामीणों को शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं ग्रामीणों के द्वारा इसे बदलने के लिए मुखिया, वार्ड और पंचायत सचिव से कई बार गुहार भी लगाई गई है, लेकिन उनकी बातों को कोई सुन नहीं रहा है। नल का पानी ना मिलने पर ग्रामीणों ने पानी की टंकी के पास खड़े होकर प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि उनके वार्ड 13 की नल जल टंकी फट गई है और इसकी वजह से टंकी में पानी का रिसाव हो रहा है। उनके घरों तक पानी पहुंचने से पहले पानी टंकी से नीचे गिर जाता है, जिससे उन्हें पानी नहीं मिल पा रहा है। वहीं वीडियो ने बताया कि इसकी जांच कर दूसरी टंकी लगवाई जाएगी। टंकी फट गया है, महीना दिन हो गया। क्या आप लोग मांग करते हैं सरकार से? बोलते हैं कि जो टंकी बदलने के लिए, तो सब बोल रहा है कि नहीं आया अभी रिपेयरिंग का पैसा, तो ये भी बात बोल रहा है सब वार्ड बदलने के लिए नहीं तैयार। कितना टाइम मिलता है पानी? तो यहाँ हायर लग में था, चू जाता है पानी, तो एनी टाइम रहता है लेकिन चू जाता है पानी। वो फट गया है तो उसमें ज़्यादा दिन थोड़ा रहेगा पानी। आप लोग पानी प्राप्त नहीं होता? नहीं, टंकी फट गया है, महीना दिन। मोतिहारी में मरीजों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने वाला सदर अस्पताल इन दिनों खुद बीमार हो गया है। बारिश बंद होने के बाद भी सदर अस्पताल जलमग्न है। वहीं जल जमाव से सदर अस्पताल झील में तब्दील हो गया है। आपको बता दें कि अस्पताल में जल जमाव से चिकित्सा व्यवस्था पर ग्रहण लग गया है। वहीं अस्पताल कर्मियों से लेकर मरीजों का हाल बेहाल है। सदर अस्पताल परिसर में जल जमाव से स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ने लगा है। इलाज के लिए अस्पताल आने वाले मरीज बेरंग लौटने लगे हैं। सदर अस्पताल के कैंपस के साथ साथ सदर अस्पताल रोड पर भी जल जमाव काफी देखा गया है, जिससे सड़क पर लोगों को आवाजाही में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल परिसर में लगे पानी का प्रभाव चिकित्सा व्यवस्था पर पड़ रहा है। मरीज अस्पताल आने से कतरा रहे हैं। मैं आया था मोतिहारी सदर अस्पताल में, देखा है काफी सारे पानी लग चुका है, यहाँ से पानी लग गया है। आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है, बाइक चलाने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। मरीजों को आने में काफी दिक्कत हो रही है, तो आने में भी बहुत दिक्कत सारा हो रहा है। आने जाने में पानी पूरा लग गया, हॉस्पिटल में जाने आने में बहुत सारा दिक्कत हो रहा है। आतंकियों से देश और दिल्ली को महफूज रखने का जिम्मा संभालने वाले दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने हथियार सप्लाई करने के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में असलहा बरामद किया गया है। आपको बता दें कि इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। दरअसल स्पेशल सेल के DCP संजीव यादव के मुताबिक स्पेशल सेल की नॉर्दर्न रेंज टीम को सोशल मीडिया के जरिए खलिस्तानियों को हथियार सप्लाई की सूचना मिली थी। वहीं जिसके बाद नॉर्दर्न रेंज के ACP जसवीर सिंह की अगुवाई में इंस्पेक्टर कुलदीप यादव की टीम ने रोहिणी इलाके में जाल बिछाकर बबलू और राजेंद्र सिंह बरनाला नाम के दो युवकों को गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के बाद और हथियार बरामद होने के साथ अन्य लोगों के नाम का खुलासा होने की भी संभावना है। तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। हथियार की सप्लाई करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद किए गए हैं। नवागढ़ थाने इलाके के सेमरा गांव में दो महिलाओं के खेत में लाश मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि अज्ञात आरोपियों के द्वारा महिला की हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया है। दोनों महिलाएं सेमरा के पास के गांव तेंदुआ के रहने वाली हैं, जिनका नाम संतोषी बाई और आपी बाई है। वहीं घटना की जानकारी होते ही नवागढ़ पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। तो आपको बता दें कि दो महिलाओं का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जन्माष्टमी के त्योहार को लेकर दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित इस्कॉन टेंपल में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। बता दें कि जन्माष्टमी के मौके पर इस्कॉन टेंपल में बड़ा और भव्य आयोजन होता है।
और लाखों भक्त भगवान कृष्ण के दर्शन करते हैं, लेकिन बीते साल से कोरोना महामारी की वजह से लगाई गई पाबंदियों की वजह से भक्तों की संख्या सीमित की जा रही है। इस साल भी सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सिर्फ निमंत्रण पत्र वाले भक्त ही भगवान कृष्ण के दर्शन कर सकेंगे। वहीं कोरोना महामारी की वजह से इसको लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन जन्माष्टमी के दौरान मंदिर में किया जाएगा। वहीं जन्माष्टमी को लेकर मंदिर को सजाने का काम भी जारी है। बता दें कि आम सालों में 5 लाख से ज़्यादा भक्त भगवान कृष्ण के इस खास पर्व के मौके पर यानी कि जन्माष्टमी के दिन दर्शनों के लिए ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन मंदिर में पहुंचते हैं। और कोरोना का साया पिछले साल देखने को मिला था, जिसकी वजह से भक्तों की संख्या में कमी ज़रूर देखी गई थी, प्रतिबंध भी देखे गए थे, लेकिन अब एक बार फिर से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार भी भक्त बड़ी संख्या में पहुंचेंगे। लेकिन हालांकि इस बार भी उनके लिए कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना बेहद ज़रूरी होगा। देश की राजधानी दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली में विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, दिल्ली के विकास की तुलना लंदन और पेरिस जैसे शहरों से की जाती है, लेकिन धरातल पर ये सभी दावे खोखले ही नजर आते हैं। इसकी वानगी दिल्ली की सड़कों पर देखने को भी मिल रही है। आपको बता दें कि इस सड़क की बदहाल स्थिति के कारण यहाँ से गुजर रहे राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, कई बार तो वाहन चालक दुर्घटना के शिकार तक हो जाते हैं। गौरतलब है कि ये सड़क कंझावाला स्थित डीएम ऑफिस को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। इस सड़क से रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही देखने को मिल जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क की यह बदहाल स्थिति लंबे वक्त से बनी हुई है, लेकिन आज तक इसकी कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। तो तस्वीरें पोल खोल रही हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या कुछ आलम नजर आ रहा है। और अगर तस्वीरें ऐसी नजर आएंगी तो फिर पेरिस और लंदन से तुलना की जाएगी, तो फिर सवाल खड़े होंगे और उम्मीद करेंगे कि जो ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें अब आगे देखने को नहीं मिलेंगी और इस सड़क की जो बदहाल अवस्था है उसको लेकर के काम किया जाएगा, सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द की जाएगी। क्या नाम है भाई? सनी, जगह कौन सी है? ये जो सड़कों की हालत है कब से है और क्या समस्या आ रही है? सड़क की हालत दूसरा हाल हो गया, तो कुछ किया नहीं है। किस तरह की समस्या लोगों को आती है? लोग पानी में गिर जाते, गड्ढे हो जाते हैं, इसमें आते हैं मरवा, गिरते हैं मरवे की वजह से और कीचड़ होता है इसमें। तो कभी यहाँ किसी ने आसपास के लोगों ने कोई शिकायत वगैरह की हो? कोई शिकायत भी की है, कुछ नहीं करते, बस मलबा गिर के चले जाते हैं, वो मलबा और कीचड़ बन के एक आधा दिन और गिर जाते हैं। बेमित्रा में कांग्रेस ने विधानसभा स्तरीय त्रिदिवसीय सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया। कार्यशाला में प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारी विधायक बेमित्रा मौजूद रहे। बेमित्रा जिले के टाउन हॉल में 3 दिवसीय सोशल मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं कार्यकर्ताओं को बताया गया कि प्रदेश सरकार की योजनाएं और कार्यों को सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक कैसे पहुंचाना है, साथ ही केंद्र सरकार की गलत नीतियों के चलते उनकी विफलताओं, चाहे वो महंगाई हो या फिर अन्य काम हो, उनको लेकर के भी सोशल मीडिया कार्यशाला में जो है जानकारी दी गई। ट्रेनिंग के बाद सभी युवाओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए हैं। सोशल मीडिया की एक ट्रेनिंग रखी गई थी, जिसमें कांग्रेस के साथियों को प्रत्येक बूथ से, प्रत्येक गांव से बच्चों को समझाया गया, हमारे साथियों को कांग्रेस कमेटी के सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरीके से सोशल मीडिया में अपनी सरकार की योजनाओं को सामने में रखना है, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की जो विफलताएं रही है, आज जो केंद्र की नीतियों के, गलत नीतियों के चलते पूरा देश परेशान है, चाहे महंगाई की हो, चाहे और भी बहुत सारे बातों हो, उसको लेके एक सोशल मीडिया की कार्यशाला रखी गई थी, आज वो सम्पन्न हुई। हाँ, सोशल मीडिया के संबंध में जानकारी बताए पर हम प्रभारी शैलेन त्रिवेदी और शर्मा जी आ रही टाउन हॉल में। जतेक सोशल मीडिया चलावत लईका मल कांग्रेस के रीति नीति के बारे में संपूर्ण जानकारी दीज, भाजपा के काला कारनामा ला सोशल मीडिया के माध्यम से उजागर करू। ऐसी बेमित्रा में स्कूल सफाई कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन देखने को मिला है। कचहरी चौक से कलेक्ट्रेट तक पैदल रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा गया। कर्मचारियों को पूर्णकालीन कर कलेक्टर पर मानदेय का भुगतान, कल्याण संघ के निर्देशानुसार पूरे राज्य में 65,000 कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसी क्रम में करीब 1400 शासकीय स्कूल अंशकालीन सफाई कर्मचारियों ने मुख्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि 2011 से उनकी नियुक्ति हुई है और 2300 रुपये मानदेय मिलता है।
वहीं संघ ने कहा कि 30 सितंबर तक हमारी मांगें पूरी की जाएं, नहीं तो प्रदेश के सभी कर्मचारी उग्र आंदोलन करेंगे और राजधानी रायपुर में भी आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी। अगली खबर स्किप कर दे, ठीक है। हम लोग स्कूल सफाई कर्मचारी है, जो कि छत्तीसगढ़ में 65,000 सफाई कर्मचारी है। हम लोग 2011 से नियुक्ति कर रहे हैं और हमें मात्र अभी तक 10 साल में 2300 रुपए दिया जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, क्या 2023 में क्या हम लोगों का परिवार चल सकता है? मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ मुख्यमंत्री से कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करें। अगर मांग पूरी नहीं होती है तो क्या करेंगे आगे हम लोग? यदि हमारा मांग पूरी नहीं करेगा तो हम 1 तारीख से रायपुर में धरना करते हम देंगे। हम लोगों का वादा निभाव रैली है। कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र में शामिल किया था कि हमारी सरकार बनती है तो आपको 10 दिन के अंदर पूर्णकालीन कलेक्टर दर पर नियमितकरण कर दिया जाएगा। आज तक 3 साल हो गया है, अभी महज 3 साल पूर्ण हो चुका है कांग्रेस सरकार को, अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। इसीलिए हम लोग एक दिवसीय धरना दिए हैं, उसको याद दिलाने के लिए धरना दिए हैं कि आपने वादा किया है उसको तत्काल पूरा किया जाए, नहीं तो 30 सितंबर तक पूरा नहीं किया जाता है। इस स्थिति में हम लोग रायपुर को आंदोलन के लिए कूच करेंगे। 100 दिन 100 हलका के तहत मोगा के बाघा पुराना में शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल रैली करने पहुंचे। पुलिस ने 2 किलोमीटर पहले बैरिकेडिंग लगाकर किसानों को रोक दिया था। पुलिस की ओर से रास्ता रोकने से किसानों ने खेतों में आगे आने की कोशिश की तो पुलिस प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात करके किसानों को रोकने की कोशिश की गई। जानकारी देते हुए किसानों ने कहा कि जो हमारे 3 कानून रद्द नहीं होते तब तक हम सारी राजनीतिक पार्टियों का जमकर विरोध करेंगे। जब तक हमारे इन कानूनों को लागू नहीं किया जाता है तब तक हमारा प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। उस माड़ी मोटी शर्म खा लो, आप वासी हाँ, आप खा गए चिट्टा भी इन्होंने अपने पंजाब च लिया, नौजवानों शराब के तस्कर बनाता इन्होंने पिंड च। तो किसान परेशान है, प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पर किसानों का कहना है कि जब तक 3 कानूनों को लेकर के उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक वो राजनीतिक पार्टियों का ऐसे ही विरोध करते रहेंगे। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से किसान विरोध कर रहे हैं इसका पंजाब में आने वाले चुनावों पर क्या कुछ असर देखने को मिलता है। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए विस्टा न्यूज़। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।